prove that evolute of the hyperbola 2xy equals to a square is x plus y whole power 2 by 3 minus x minus y whole power 2 by 3 equals to 2 a to the power 2 by 3. हाइपरबोला के लिए आपको केंद्रस फाइंड करना है. हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है 2xy equals to a square. इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. देन दिस इज इक्वल्स टू 2 और यहां u into v का फार्मूला अप्लाई करते हैं x dy by dx plus y equals to 0. therefore x dy by dx equals to minus y or dy by dx equals to minus y upon x. अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो u अपॉन v अप्लाई करते हैं x टू द पावर 2 x y को डिफरेंशिएट करोगे dy by dx minus y और x विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा. dy by dx की वैल्यू पुट करते हैं dy by dx equals to minus y upon x, तो यहां dy by dx की वैल्यू पुट कर देते हैं minus y upon x, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा. this is equals to minus 2y और बाहर नेगेटिव तो पॉजिटिव 2y upon x, तो ये d2y upon x की वैल्यू बन जाएगी. देखिए एवोल्यूट के लिए दो डेफिनेशन पढ़ी थी. सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर आप लोकस ले लें तो हमें क्या मिलता है, एवोल्यूट मिलता है, या जो नॉर्मल बन रहा है उस नॉर्मल का जो एनवलप होता है वही उस कर्व के लिए एवोल्यूट होता है. इसमें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का यूज करके सॉल्व करते हैं. अल्फा और बीटा विद सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट करते हैं. अल्फा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर टू अपॉन डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स. वैल्यू पुट अप करते हैं अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करेंगे इसको तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स. ये नेगेटिव नेगेटिव देखिए पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स क्रॉस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाई से वाई भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास उठरम आएगी. दिस इज इक्वल्स टू 2 इनटू x तो डिनोमिनेटर के अंदर आएगा और न्यूमरेटर में बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2x और इसको सिंपलीफाई करोगे एलसीएम लेंगे 2x को एलसीएम लिया तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो अल्फा इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x इक्वेशन नंबर 2 बन गई. फिर बीटा के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं. बीटा इक्वल्स टू y प्लस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर टू अपॉन डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. अगेन वैल्यू पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स यानी बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. वो फिर सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लीजिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई. तो बीटा की जो टोटल फॉर्म बनेगी बीटा इक्वल्स टू टू वाई स्क्वायर यहाँ से वाई टू वाई का एलसीएम ले लिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई. देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम एक्स वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई. टू एक्स वाई को एलसीएम ले लिया आपने तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब या वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली टर्म और ये टर्म एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई होल पावर थ्री. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई ये वाली फॉर्म मिलेगी हम उसे हम क्या ले सकते हैं एक्स प्लस वाई होल पावर थ्री. अल्फा प्लस बीटा होल पावर टू बाई थ्री फाइंड कर लेते हैं पावर रेज कर देते हैं तो एक्स प्लस वाई होल पावर टू थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और टू एक्स वाई होल पावर टू बाई थ्री इक्वेशन नंबर फोर मिल गई. फिर फाइंड करते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हमें मिलेगा वाई माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन टू एक्स का. यहाँ पावर रेज करते हैं टू बाई थ्री तो अल्फा माइनस बीटा होल पावर टू बाई थ्री इक्वल्स टू y माइनस एक्स होल पावर टू अपॉन टू एक्स वाई होल पावर टू बाई थ्री इक्वेशन नंबर फाइव मिल जाएगी. इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन फाइव करते हैं. अल्फा प्लस बीटा होल पावर टू बाई थ्री माइनस अल्फा माइनस बीटा होल पावर टू बाई थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल पावर टू माइनस वाई माइनस एक्स होल पावर टू डिवाइड बाई टू एक्स वाई होल पावर टू बाई थ्री.
ओपन करते हैं ए प्लस बी होल पावर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ अप्लाई करते हैं ए माइनस बी होल पावर टू तो वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ नेगेटिव साइन है तो माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा तो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव का टू एक्स वाई बन जाएगा तो टू एक्स वाई और टू एक्स वाई ऐड हो जाएंगे तो फोर एक्स वाई मिलेगा, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में टर्म मिलेगी फोर एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा टू एक्स वाई होल पावर टू बाई थ्री। अब देखिए हमें दे रखा है फाइबर बोला दे रखा है टू एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से टू एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर टू इंटू ए स्क्वायर, इसको पुट कर दिया टू इंटू टू एक्स वाई तो टू एक्स वाई की वैल्यू कितनी बन गई ए स्क्वायर, यहाँ भी पुट कर देते हैं टू एक्स वाई की क्योंकि हम एक्स वाई को एलिमिनेट करना चाहते थे, तो ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी हमारे पास टू बाई थ्री। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू ए स्क्वायर की पावर ए स्क्वायर माइनस या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन गया फोर बाई थ्री, और इसे सिंप्लीफाई करोगे सिक्स माइनस फोर बाई थ्री तो टू बाई थ्री। अब हम क्या करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उनमें जो लॉकस लेते हैं तो हमें इवेल्यूएट की इक्वेशन मिलती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे वक्रता के अंदर आ रहे हैं उनके बिंदु पर ले लेते हैं तो अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई पुट कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई होल पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर टू बाई थ्री इक्वल्स टू टू ए टू दी पावर टू बाई थ्री, ये हाइपरबोला के लिए कैंड्रेज की इक्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं सो दैट द एवेल्यूट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन इज ए एक्स होल पावर टू बाई थ्री माइनस बी वाई होल पावर टू बाई थ्री इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर टू बाई थ्री। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखी है हम इसे इक्वेशन नंबर वन देते हैं और पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के जो प्राचलिक समीकरण है उसे हम पुट करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए सेक टी और वाई इक्वल्स टू बी टेन टी। एक्स इक्वल्स टू ए सेक टी था हमारे पास जो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी देन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू सेक टी को डिफरेंशिएट करोगे सेक टी टेन टी और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी टेन टी था हमारे पास टेन टी को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर टी बन जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी दिस इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर टी डिवाइड बाई ए सेक टी एंड टेन टी, सिंप्लीफाई करते हैं इसको बी अपॉन ए एक सेक टी से सेक टी देखिए कैंसिल हो गया और सेक टी को क्या पुट कर सकते हैं वन अपॉन कॉस टी और टेन टी क्या बन जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी अगेन कैंसिल तो बी बाई ए वन अपॉन साइन टी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट हैंड पार्ट तो बन जाएगा डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी बाई ए और कॉसेक टी वन अपॉन साइन टी कॉसेक टी बन जाएगा, तो कॉसेक टी को हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे टी बन रहा है हमारे पास तो क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं डी अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में पुट कर देते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास बन रहा है एक्स ए सेक टी टेन टी तो डी टी अपॉन डी एक्स वन अपॉन ए सेक टी टेन टी इसको पुट कर दिया है, और कॉसेक टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो माइनस कॉसेक टी और कॉट टी बन जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं नेगेटिव साइन बाहर आ गया बी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से टेन टी को हम क्या पुट कर सकते हैं वन अपॉन टेन टी कॉट टी बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास टर्म बनेगी कॉसेक टी को हम पुट कर सकते हैं वन अपॉन साइन टी और सेक टी बन जाएगा न्यूमरेटर में कॉस टी अगेन साइन टी अपॉन कॉस टी तो डिनोमिनेटर के अंदर आएगा टेन टी और न्यूमरेटर में जाएगा तो कॉट टी बन जाएगा, तो पूरा सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट क्यूब टी, इक्वेशन नंबर थर्ड मिलेगी। अब अगेन लेट करते हैं अल्फा और बीटा विद सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्स माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर टू मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डिवाइड बाई डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करते हैं ए सेक टी माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए वन अपॉन साइन टी तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी, और डी वाई बाई डी एक्स की अगेन वैल्यू पुटते हैं बी बाई ए वन अपॉन साइन टी एंड डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट क्यूब टी, ये अल्फा के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू
ए sec t प्लस ए साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस क्यू टी और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। अल्फा इक्वल्स टू ए sec t, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए साइन स्क्वायर टी कॉस क्यू टी, और यहाँ पे जब ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म से साइन स्क्वायर टी से साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा और एक ए स्क्वायर की टर्म से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए और हमारे पास क्या बचेगा कॉस क्यू टी। तो अल्फा इक्वल्स टू ए sec t प्लस साइन स्क्वायर टी को पुट कर दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस क्यू टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए और 1 अपॉन कॉस क्यू टी को हमने पुट कर दिया sec क्यू टी। अल्फा इक्वल्स टू ए sec t प्लस, अब डिवाइड करेंगे सेपरेटली देखो टर्म को, पहले टर्म बनी ए अपॉन कॉस क्यू टी, कॉस क्यूब टी को जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो बन जाएगा sec क्यूब टी, तो ए sec क्यूब टी। नेक्स्ट टर्म आएगी ए से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन आया माइनस ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस क्यूब टी, कॉस स्क्वायर टी से कॉस स्क्वायर टी कैंसिल 1 अपॉन कॉस टी को हम sec टी ले सकते हैं, तो माइनस ए sec टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए और sec क्यूब टी। तो देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए sec टी से ए sec टी कैंसिल हो गया और इन दोनों टर्म में से सेकेंड और फोर्थ टर्म में से sec क्यूब टी कॉमन आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए और sec क्यूब टी, और सिंप्लीफाई किया हमने ए को एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए sec क्यूब टी। देयरफॉर ए अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sec क्यूब टी। अब जैसा हमें प्रॉब्लम में चाहिए तो दोनों तरफ पावर रेज कर देते हैं 2 बाई 3, तो ए अल्फा होल पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 बाई 3 और sec स्क्वायर टी, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। फिर बीटा के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, बीटा इक्वल्स टू वाई प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2 अपॉन डी 2 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू बी टेन टी और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी और डी 2 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट क्यूब टी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी साइन क्यूब टी अपॉन कॉस क्यूब टी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, देखो कॉट क्यू टी है इसको हमने पुट कर दिया कॉस क्यू टी अपॉन साइन क्यू टी, साइन क्यू टी टर्म कहाँ जाएगी न्यूमरेटर के अंदर, साथ में क्या जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन क्यू टी अपॉन में क्या बचेगा बी और कॉस क्यू टी। बीटा इक्वल्स टू बी टेन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी साइन क्यू टी अपॉन कॉस क्यू टी माइनस बी sin t upon cos qt, then beta equals to b tan t minus a square upon b sin qt upon cos qt tan qt बन जाएगा और minus b sin t upon cos t tan t और 1 upon cos cot t sec cot t, b tan t minus a square upon b tan qt minus b tan t sec cot t equals to 1 plus tan cot t, therefore beta equals to b tan t minus a square upon b tan q t minus b tan t or minus b tan q t, b tan t से b tan t cancel out हो जाएगा और यहाँ से tan q t common आ जाएगा negative में, तो a square upon b plus b tan q t, beta equals to b को LCM ले लीजिए a square plus b square upon b or tan q t, therefore b beta इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन क्यू टी, और दोनों तरफ पावर रेज करते हैं 2 बाई 3, तो बीटा बी होल पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 बाई 3 और टेन स्क्वायर टी, इक्वेशन नंबर 5 मिल रही है। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 4th और 5th से टी को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन 4th माइनस इक्वेशन 5th कर देते हैं, ए अल्फा होल पावर 2 बाई 3 माइनस बी बीटा होल पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 बाई 3 sec स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी, sec स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी, टेन स्क्वायर टी टेन स्क्वायर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर ए अल्फा होल पावर 2 बाई 3 माइनस बी बीटा होल पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 बाई 3। टेकिंग लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिंदु पद लेते हैं तो क्या बन जाएगा, अल्फा की जगह एक्स बन जाएगा बीटा की जगह वाई बन जाएगा, ए एक्स होल पावर 2 बाई 3 माइनस बी वाई होल पावर 2 बाई 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2 बाई 3, तो ये हाइपरबोला के लिए इवैल्यूएट की इक्वेशन मिलेगी हमें।